और आगे देखिए मोदी मैजिक की 10 कहानियां। मित्रों, मैं बचपन में रेल के डिब्बे में चाय पीता था और आज आपके सामने खड़ा हूं। आया और छा गया, वो जहां गया इलाका उसी का हो गया। जो भी सामने था उसे केवल और केवल हार मिली। जो पहले समझा वो साथ हो गया, जो नहीं समझा वो खत्म हो गया। वो आंधी है, वो सुनामी है, वो जीत का पर्याय है, क्योंकि वो नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। एक नया सूरज, एक नई आशा, एक नया विश्वास, कमल की छाया में हम इस देश को सांता देने की दिशा में संकल्प बने, उसका वक्त आ गया। सियासत की जो भी मान्यता प्राप्त धारणाएं थी सब इस चेहरे के आगे नतमस्तक हो गई हैं। राजनीति के जो भी मापदंड थे वो सब इस नाम के आगे बौने हो गए, क्योंकि भारतीय राजनीति के तमाम सियासी गणितों के सामने मोदी था। और मोदी का मतलब है वो नाम जो इतिहास को बदलने की कुव्वत रखता है, जो समीकरणों को बदलने का साहस रखता है, जो तमाम केमिस्ट्री फिजिक्स को धराशायी करता है, जो जीतता है, जो खत्म करता है, जो मिटाता है। यह चेहरा जब गुजरात पहुंचा तो कहा गया आया है बस कुछ दिन के लिए। दामन पर दाग लगा कि धर्म के नाम पर सियासत का घिनौना इतिहास लिख रहा है। देश से लेकर विदेश तक कई किस्म के आरोपों के असंख्य दाग लगे, लेकिन मोदी ना तो रुकने वाले थे ना झुकने वाले, अजय रहे। उन्हें ना कोई हरा पाया ना कोई टक्कर दे पाया, और फिर इस नाम ने दस्तक दी दिल्ली के दरवाजे पर, देश के सपनों का सौदागर बनकर। और जैसे ही राष्ट्रीय फलक पर इस सौदागर ने दस्तक दी, जनता निहाल हो गई। 30 साल बाद बहुमत की सौगात दे दी, मानो देश को दशकों बाद वो वारिस मिल गया जिसका इंतजार जनमानस को अरसे से था। 2014 में मोदी की दस्तक ने जो भूचाल मचाया था उसमें कई विरासतें तेज आंधी के झोंकों में खरपतवार की तरह उड़ गईं। जो बचे वो पूरे 5 साल खुद को समेटता या मजबूत करता रहा, मानो फिर से कोई भूचाल ना आ जाए, फिर से कुनबा उजड़ ना जाए। लेकिन तमाम पेशेबंदियों, तमाम खेमेबंदियों के बाद भी मोदी नाम का बवंडर ना तो रुकने वाला था ना ही थमने वाला था। वो तो बस इंतजार कर रहा था कि कब चुनावी रणभेरी बजे और कब फिर से वो तमाम सियासी घरानों को उखाड़ फेंके। लेकिन इस मोदी नुमा तूफान में ऐसा क्या था कि 2014 से ना तो कोई इसे रोक पाया ना ही थाम पाया। साल था 2013, देश में आम चुनाव ने दस्तक दी। बीजेपी को 10 साल के वनवास के बाद वापसी के लिए एक ऐसे चेहरे की तलाश थी जो उसे देश की सत्ता दिला दे। दूसरी तरफ गुजरात में जीत की हैट्रिक लगाकर नरेंद्र दामोदर दास मोदी नई चुनौती स्वीकारने को लगभग तैयार थे। बीजेपी का मात्र संगठन यानी आरएसएस भी नरेंद्र मोदी में बीजेपी का भविष्य देख रहा था। लेकिन पार्टी के अंदर इस चेहरे के खिलाफ कई लोग थे, और विरोध की इस आवाज को दबाना ना तो नरेंद्र मोदी के लिए आसान था और ना ही बीजेपी के तत्कालीन अध्यक्ष राजनाथ सिंह के लिए। वैसे भी तब तक बीजेपी ने कभी खुद के दम पर केंद्र में सत्ता हासिल नहीं की थी, और इसलिए सहयोगी दलों के सामने नरेंद्र मोदी जैसे कट्टर हिंदुवादी चेहरों को रखने का जोखिम उठाना बीजेपी के लिए भारी पड़ सकता था। साथ ही बीजेपी के पितामह कहे जाने वाले लाल कृष्ण आडवाणी की महत्वाकांक्षा की चर्चा भी सियासी गलियारों में बहुत सहज थी। लेकिन जब आरएसएस ने नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भरोसा कर लिया
तो फिर किसी की आपत्ति को कोई खास तवज्जो मिलने वाली थी नहीं, और इसलिए देश के सामने अब गुजरात का नायक देश का नायक बनने को तैयार खड़ा था। जब मोदी गुजरात से निकलकर दिल्ली की दहलीज तक आने को तैयार खड़े थे, तो उनके तर्कश का सबसे ताकतवर तीर था गुजरात मॉडल। ये अलादीन का वो चिराग था जिसको मोदी ने पूरे देश में बार बार दिखाया और बताया कि कैसे गुजरात में विकास की नदियां बहीं, और मोदी के आते ही देश भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ेगा। चुनाव में मोदी के अच्छे दिन आने वाले हैं के नारे ने तो मानो कमाल कर दिया। जब 16 मई 2014 को नतीजे आए तो पूरा देश मोदी के अच्छे दिन पर भरोसा करता दिखा। क्या लद्दाख, क्या कन्याकुमारी, क्या अरुणाचल, क्या भरूच, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, हर तरफ बीजेपी ही बीजेपी थी। ये वो दौर था जब मोदी मतलब बीजेपी और बीजेपी मतलब मोदी बन गया था। और जैसे ही मोदी ने इस जीत के बाद संसद के दरवाजे पर सर झुकाया, पूरा का पूरा देश अपने नए नायक पर निहाल हो गया। लेकिन मोदी तो मोदी है, वो कहां एक जीत से मानने वाले थे। उनकी नजर तो अगले 10 साल में देश को बदलने की नीति पर थी, और इसलिए उनका हर कदम जनता को ये यकीन दिलाने के लिए होता कि बदलाव आएगा, और जनता वो भी मोदी की बातों और कामों को हाथों हाथ लेने में कोई कोताही नहीं बरतती। सर, हाउ कैन आई बिकम अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सर? 2024 के चुनाव की तैयारी करो। और इसका मतलब ये होगा कि तब तक मुझे कोई खतरा नहीं है। मोदी ने मानो तय कर लिया था कि देश की सत्ता 2024 तक वो ही संभालेंगे, और इसके लिए उन्हें जनता की कसौटियों पर एक बार फिर कसा जाना था। 2014 में बीजेपी को 282 सीटों पर जनता ने जीत दिलाई थी, और 2019 के आम चुनाव में मोदी के लिए अपने ही कीर्तिमान को ध्वस्त करने की जिम्मेदारी थी। लेकिन मोदी तो मोदी है, उन्हें मालूम था कि पुरानी लकीर को पाट कर नई लकीर कैसे खींचनी है, क्योंकि 2014 से 2019 के बीच मोदी ने अपने दल के कार्यकर्ताओं के साथ साथ देश को भी यकीन दिला दिया था कि मोदी है तो मुमकिन है, और जब वो सत्ता में है देश के विकास की रफ्तार ना तो रुकेगी ना ही धीमी होगी। और जब राजस्थान से उन्होंने 2019 के चुनावी रण का आगाज किया तो उनका ये दृढ़ निश्चय साफ जाहिर हो गया। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। मोदी वो नाम है जो अपनी पहचान को ही चुनाव में मुद्दे बना देता है, और ऐसा माहौल बना देता है कि विपक्ष ना तो कुछ समझ पाने लायक होता है ना ही कुछ बोलने लायक। 2019 का पूरा चुनाव मोदी ने एक अलग किस्म की रणनीति से लड़ा। ये ध्रुवीकरण ना तो किसी जात के नाम पर था और ना ही किसी धर्म के नाम पर, ये ध्रुवीकरण था मोदी के नाम पर, क्योंकि बीते 5 साल में मोदी ने देश में अपने नाम पर ये विश्वास बना दिया था कि विकास और निर्णायक नेतृत्व देश को कोई दे सकता है तो वो सिर्फ नरेंद्र मोदी है, और मोदी का ये दांव काम कर गया। 23 मई 2019 को जब देश में चुनाव के बाद ईवीएम खुले तो मोदी ने 2014 में जीत के अपने ही कीर्तिमान को ध्वस्त कर दिया। अब लकीर और लंबी खींची जा चुकी थी, और ये लकीर मोदी की खुद की लकीर थी, जो 2014 के 282 सीटों के आंकड़े को पीछे छोड़ते हुए 303 तक जा पहुंची थी। देश ने एक बार फिर मोदी पर भरोसा जताया, और मोदी वो तो मानो पहले से तैयार थे इस नतीजे के लिए। तैयार इसलिए कि 2019 की जीत के महज 100 दिन के अंदर अंदर मोदी 2.0 के दो निर्णय ने देश के भरोसे और मोदी की सोच पर प्रामाणिकता की मोहर लगा दी। दिन 5 अगस्त 2019, जगह राज्यसभा। जम्मू कश्मीर में सरकार और सेना की गतिविधियों से साफ जाहिर था कि सरकार कुछ बड़ा करने वाली है। मोदी पहले भी अपने अचानक लेकिन सोच समझ कर लिए फैसलों से देश को सुखद आश्चर्य में डाल चुके थे, इसलिए देश और देश के तमाम पत्रकार ये अनुमान लगाने में व्यस्त थे कि मोदी क्या और कैसा फैसला ले सकते हैं। लेकिन मोदी वो तो फैसला ले चुके थे, बारी थी तो बस उसे अमली जामा पहनाने की। देश के नए नवेले गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में एक टीम लगातार अपने प्रधानमंत्री के निर्णय को सही तरीके से लागू करने की दिशा में काम कर रही थी। और फिर करीब 11 बजे अमित शाह ने बीजेपी के सालों पुराने एजेंडे में से एक, या फिर यूं कहें सबसे बड़े एजेंडे को विधेयक की शक्ल में राज्यसभा में प्रस्तुत कर दिया। ये विधेयक था कश्मीर से धारा 370 के उन भागों को खत्म करने का
जो जम्मू कश्मीर को अलग संविधान, अलग निशान और अलग प्रधान का अधिकार दे रहे थे। बीजेपी के लिए यह मुद्दा 1953 से सबसे बड़े एजेंडों में से एक था और 2019 के चुनावों में भी अमित शाह लगातार 370 की मुखालफत करते पाए जाते। लेकिन किसी को ये उम्मीद नहीं थी कि महज एक महीने पाँच दिन पुरानी मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये फैसला इतनी जल्दी और इतनी पुख्ता तैयारियों के साथ ले लेंगे। महोदय, मैं संकल्प प्रस्तुत करता हूँ कि ये सदन अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाने वाली निम्नलिखित अधिसूचनाओं की सिफारिश करता है। संविधान के अनुच्छेद 373 के अंतर्गत भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 के खंड एक के साथ पठित अनुच्छेद 370 के खंड तीन द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति संसद की सिफारिश पर यह घोषणा करते हैं कि यह दिनांक जिस दिन भारत के राष्ट्रपति द्वारा इस घोषणा पर हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसे सरकारी गैजेट में प्रकाशित किया जाएगा, उस दिन से अनुच्छेद 370 के सभी खंड लागू नहीं होंगे सिवाय खंड एक के नामक तदनुसार पढ़ा जाएगा। धारा 370 के मुद्दे पर मोदी खुद भी कई आंदोलनों का हिस्सा रहे थे। लाल चौक पर मुरली मनोहर जोशी के साथ तिरंगा फहराने के वक्त भी मोदी वहां मौजूद थे और इसलिए जब भी बीजेपी ये नारा लगाती थी कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है, जो कश्मीर हमारा है वो सारा का सारा है, तब बीजेपी की विचारधारा से इत्तेफाक रखने वाला हर शख्स पूछता था कि पहले वाजपेयी और फिर मोदी सरकार के एक एक कार्यकाल बीतने के बाद भी बीजेपी अपनी बातों को लागू क्यों नहीं कर पाई। लेकिन मोदी सबसे अलग कुछ और ही रणनीति पर विचार कर रहे थे और जब उन्होंने अपने फैसले से जनता और विपक्ष को रूबरू कराया तो विपक्ष के ही कई नेता मोदी के समर्थन में उतरते दिखे। संविधान की सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय की मंशा को देश भर में लागू करने हेतु जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा संबंधी धारा 370 व 35A को हटाने की मांग काफी लंबे समय से थी। अब BSP उम्मीद करती है कि संबंध में केंद्र सरकार के फैसले का सही लाभ वहां के लोगों को आगे मिलेगा। ये मोदी का अंदाज है, वो कब कैसे अपने फैसलों को लागू करते हैं किसी को कुछ पता नहीं चलता और जब पता चलता है तब तक विपक्ष के पास ना तो कोई रास्ता बचता है और ना ही कोई शब्द। ऐसे ही फैसले की वानगी देखने को मिली तीन तलाक के मुद्दे पर। जब धारा 370 एक्ट खत्म करने से एक हफ्ते पहले मोदी सरकार ने तीन तलाक बिल को फिर से लोकसभा में रखा, हालांकि उससे पहले अपने पहले कार्यकाल में भी मोदी सरकार तीन तलाक के खिलाफ कानून लागू करने के लिए विधेयक सदन में लेकर आई थी लेकिन राज्यसभा में अल्पमत के कारण पास नहीं करवा पाई। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ था कि सरकार ने एक बार फिर बिल को सदन में पेश किया। लेकिन दुख की ये बात है कि जिन लोगों ने डिबेट के दौरान ये ऐलान किया कि हम इस बिल का विरोध करेंगे और इसके वोट इसके खिलाफ करेंगे, जब वोट का टाइम आया तो वो सदन में दिखे ही नहीं। अब मोदी एक ताकतवर बहुमत से फिर से सत्ता में वापसी कर चुके थे और राज्यसभा के गणित को साधने के लिए मोदी एक अलग रणनीति पर काम कर रहे थे। रही सही कसर विपक्ष की कमजोर रणनीति ने पूरी कर दी। राज्यसभा में जैसे ही मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट ऑन मैरिज बिल को मंजूरी मिली, मोदी की रणनीति सबके सामने थी। विपक्ष के जोरदार विरोध और हो हल्ले के बीच नरेंद्र मोदी सरकार ने साबित कर दिया कि सत्ता में वापसी के बाद वो उन मुद्दों पर फोकस करेगी जो अब तक राज्यसभा में अल्पमत के कारण अधूरे थे। ये मोदी मैजिक था, ये मोदी का करिश्मा था और ये मोदी की रणनीति थी जिसकी कार्ड किसी के पास नहीं थी। आम लोकसभा चुनाव के ऐलान से लगभग एक महीने पहले देश सेना पर हुए सबसे बड़े हमले की खबर से रूबरू हुआ। पूरा देश मानो मातम में डूब गया। भारतीय इतिहास में शांति के माहौल में देश के सैनिकों की शहादत की सबसे बड़ी वारदात थी। कश्मीर के पुलवामा में भारतीय अर्धसैनिक बल के काफिले पर RDX से भरी कार से हमला किया गया जिसमें CRPF के 40 जवान शहादत को गले लगा लेते हैं और फिर पूरा देश मानो गुस्से की आग से धधक उठता है। प्रधानमंत्री के ऊपर पाकिस्तान प्रायोजित आतंक के ऊपर दोबारा से हमला करने का प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। विपक्ष सरकार को सुरक्षा नीति पर घेरने की तैयारी शुरू कर देता है और प्रधानमंत्री देश के गुस्से के साथ सुर में सुर मिलाने की बात कहते हैं। अब सवाल ये था कि केवल बात कहने से बदले की भावना में उद्वेलित हो रही जनता के गुस्से को कैसे संभाला जा सकता था। आतंक के सरपरस्तों को सबक सिखाने के लिए मैंने फैसला किया है।
उनके घर में घुस करके मारता हूं। लेकिन मोदी तो मोदी है, वो जानते थे कि इस हमले का जवाब कब, कैसे और कहां देना है। 14 फरवरी को हुए हमले के जवाब में भारतीय सेना अपनी तैयारी में लग जाती है। प्रधानमंत्री की तरफ से सीधा और साफ आदेश था, देश की भावना के जैसा बदला, और सेना मानो इसके लिए पूरी तरह तैयार थी। पुलवामा हमले के 12 दिन के भीतर भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की एयर सीमा को लांघते हुए बालाकोट के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी। देश की जनता को जैसे ही अपने सैनिकों के इस अदम्य साहस की खबर मिली, जनता अपने देश के प्रधानमंत्री के निर्णय पर फिर एक बार निहाल हो गई। देश की जनता के गुस्से को कैसे अपनी ताकत में बदलना है, कोई मोदी से सीखे। क्योंकि एयर स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तान ने अपनी जवाबी कार्रवाई की और उसके जवाब में भारतीय वायुसेना की योद्धा अभिनंदन को पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया, तो प्रधानमंत्री ने अपनी कूटनीति का परिचय देते हुए विषम परिस्थिति को अपने हक में मोड़ लेने में भी जरा सी देर न लगाई और पाकिस्तान पर ऐसा दबाव बनाया कि खुद पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने अभिनंदन की रिहाई का ऐलान कर दिया। बालाकोट एयर स्ट्राइक ने मोदी को एक ऐसे गेम चेंजर के रूप में स्थापित किया जो पूरे खेल को बदलने की क्षमता रखता हो और कभी भी हार नहीं मानता। 18 सितंबर 2016 भारतीय सैन्य इतिहास में सबसे काले दिनों में से एक था। ये दिन उरी के भारतीय सैन्य ठिकानों पर पाक समर्थित आतंकवादियों ने सबसे कायराना हमला किया, जब देर रात सो रहे सेना के जवानों के कैंप पर 4 हथियार बंद आतंकियों ने हमला कर दिया। सेना के कैंप पर हमले की ये नई वारदात थी। वहीं 2014 में आई मोदी सरकार के कार्यकाल में हुआ सबसे बड़ा आतंकी हमला। उरी हमले में भारतीय सेना के 18 जवानों की शहादत हो गई और फिर प्रधानमंत्री के कड़े कार्रवाई करने के दावों के बाद देश खून का घूंट पीने को मजबूर हो गया, क्योंकि इससे पहले तक देश कई आतंकी हमले के बाद भी कोई कार्रवाई करने की स्थिति में नहीं दिखता था। लेकिन इस बार देश की बागडोर उस नेता के हाथों में थी जो चुनावी कैंपेन में 56 इंच का सीना और पाकिस्तान को आंख दिखाने की बात करके सत्ता पर काबिज हुआ था। वक्त अब बस मोदी के कदम का इंतजार कर रहा था और मोदी कुछ अलग सोच के साथ शांत बैठे थे, क्योंकि उनके दिमाग में आतंकियों को सबक सिखाने के लिए कोई और ही प्लान चल रहा था। भरोसा रखिए, इस बार सबका हिसाब होगा, हिसाब पूरा होगा। इजराइल की तरह दुश्मन को घर में घुसकर जवाब देने के लिए मोदी ने सेना को एक ऐसे प्लान पर काम करने को कहा जिसके बारे में जब देश को सूचना मिली तो पूरा देश गर्व से झूम उठा। दरअसल भारतीय सेना ने 28-29 सितंबर 2016 की अमावस्या के पहले की घनी मध्य रात में एलओसी को पार कर पीओके के चल रहे उन आतंकी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की जहां से उरी हमले के लिए आतंकी निकले थे। इस पूरी सैन्य कार्रवाई में करीब 50 आतंकवादियों को मार गिराया गया और फिर भारत ने विश्व को साफ संदेश दे दिया कि ये नया भारत है जो जवाब देना जानता है। 2019 के चुनाव से पहले बीजेपी को सबसे बड़ा झटका लग चुका था। लोकसभा चुनाव से पहले सत्ता का सेमीफाइनल माने जाने वाले 5 राज्यों के चुनाव में बीजेपी को सबसे बड़ी निराशा हाथ लगी थी और हिंदी पट्टी के गढ़ में बीजेपी 3 राज्यों में चुनाव हार गई थी। तमाम राजनीतिक पंडित बीजेपी की इस हार को लोकसभा से जोड़कर देख रहे थे, क्योंकि इन तीनों राज्यों में बीजेपी को कांग्रेस ने जोरदार झटका दिया था। वही कांग्रेस जो 2014 में इन तीनों राज्यों में कुल मिलाकर मात्र 3 सीटों पर सिमट गई थी, जबकि बीजेपी के पास मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान से कुल 62 सांसद थे, लेकिन तीनों राज्य में बीजेपी की सरकार चुनाव के बाद सत्ता से बेदखल हो गई। और जिस बात को इन तीनों राज्यों में हार का मुख्य कारण माना गया वो था बीजेपी के प्रति सवर्णों की नाराजगी, खासकर मध्य प्रदेश और राजस्थान जहां सवर्ण वोटरों की संख्या निर्णायक है। वहां SC ST एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटना बीजेपी के लिए दोधारी तलवार साबित हुई। राजस्थान जिसने सभी 25 सीटें लोकसभा के पिछले चुनाव में बीजेपी को सौंपी थी, वही राजस्थान बीजेपी से नाराज दिखा। तो मध्य प्रदेश जो SC ST एक्ट के हंगामे में सबसे ज्यादा जला था, वहां भी सपाक्स जैसी पार्टियों ने बीजेपी की 15 साल की सत्ता उखाड़ने में कांग्रेस की मदद की। लेकिन जो हार से सबक सीखे और अगली जंग के लिए तैयार रहे वही सियासत का असल योद्धा होता है, और नरेंद्र मोदी अमित शाह की जोड़ी ये सबसे बेहतर तरीके से समझती थी। विधानसभा नतीजों के बाद बीजेपी ने तुरंत संसद में गरीब सवर्णों के लिए 10% आरक्षण का विधेयक लाकर कांग्रेस सहित तमाम विपक्षी पार्टियों को धर्म संकट में डाल दिया। तारीख 8 नवंबर 2016 8 नवंबर 2016
कि रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपये और 1000 रुपये के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे, यानी ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। ये तारीख और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस भाषण के बाद मानो देश में हड़कंप मच गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही ये घोषणा की कि आज रात 12 बजे के बाद वर्तमान में प्रचलित 500 और 1000 के नोट की कोई संवैधानिक मान्यता नहीं होगी, देश में एक अलग तरह का सन्नाटा पसर गया। एक ऐसा सन्नाटा जो अपने आप में भविष्य का बहुत बड़ा शोर समेटे था, और इस शोर में कई राजनेता इस कदम को राजनीति के तहत लिया एक महत्वाकांक्षी निर्णय करार दे रहे थे। विपक्ष के चेहरे के रूप में जाने जाने वाले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा हमला बोला। यहां तक ये भी कह दिया कि मोदी जी ने आरबीआई तो दूर, अपने मंत्रिमंडल को भी इस फैसले में खासी तवज्जो नहीं दी। नोटबंदी कर दी, पता नहीं मालूम है, नहीं मालूम आपको, नरेंद्र मोदी ने अपने कैबिनेट को नोटबंदी के समय रेस कोर्स रोड में ताले से बंद किया था। इन सब आरोपों के बीच भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद को मजबूत बनाए रखा और लगातार इस बात पर जोर देते रहे कि ये लड़ाई काले धन के खिलाफ है, और जो तिल मिला रहे हैं जरूर इनके पास काला धन मौजूद है जिसकी जाने का डर उन्हें सता रहा है। एक बड़े भूभाग में फैले देश भारत में कर की चोरी एक बड़ी समस्या थी, और इसके पीछे की बड़ी वजह थी एक सामान के लिए कई अलग अलग तरह के टैक्स दर का होना। केंद्र और राज्य सरकार एक ही वस्तु पर अलग अलग दर से टैक्स लगाया करती थी, जिसके चलते ये टैक्सेशन प्रोसेस काफी जटिल और उलझी होती थी। और फिर 1 जुलाई 2017 को मोदी सरकार ने सबसे बड़ी चोट इसी पर की और एक देश एक टैक्स की योजना लागू कर दी। At the midnight hour, we will be launching one of India's biggest and most ambitious tax and economic reforms in history. The GST may be a destination tax, but for India, it will begin altogether a new journey. एक देश और एक सा टैक्स, ये सुनने में जितना आसान नजर आ रहा था, समझने में उसे उतनी ही तकलीफ हो रही थी। पर कहते हैं कि बेहतर चीजें कभी आसान नहीं हुआ करती। टैक्सेशन सिस्टम में ये आज तक का सबसे बड़ा बदलाव था, लिहाजा विपक्ष का हमलावर होना तो जायज था। और फिर GST यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को नया नाम दिया गया, गब्बर सिंह टैक्स। गब्बर सिंह टैक्स लाएंगे, 5 अलग अलग टैक्स। दिन भर आप लोग फॉर्म भरो, और फॉर्म भरने के बाद इनकम टैक्स वाले आपके पीछे दौड़ेंगे। लगातार हमलावर होते विपक्ष के बावजूद मोदी ने इस प्रक्रिया को जारी रखा, और उनकी सबसे बड़ी चुनौती अपने ही राज्य गुजरात के चुनाव में देखने को मिली, जब विपक्ष ने व्यापारियों के माध्यम से गुजरात चुनाव में इस मुद्दे को भुनाना चाहा। पर मोदी का मैजिक यहां भी सर चढ़कर बोला, और जनता ने मोदी के इस फैसले का समर्थन अपने वोटों के तौर पर दिया। और उसके बाद भी तमाम चुनावों में विपक्ष इस मुद्दे पर वोट बटोरने की भरपूर कोशिश करता रहा, पर मोदी के समर्थन में जो जनसैलाब हर बार उमड़ता, वो विपक्ष को मुकम्मल जवाब देने के लिए काफी होता था। कई ऐसे फैसले रहे जो 2014 से 2019 के बीच नरेंद्र दामोदर दास मोदी के कद को और बड़ा बनाते चले गए। लेकिन मोदी आज भी कहते हैं उन्होंने जो काम किया है वो तो बस ट्रेलर है, अभी पूरी फिल्म बाकी है। न जाने पीएम मोदी अभी किन किन मुद्दों पर कड़ा या अपरिचित कदम उठाएं, लेकिन जिस तरह से जनता का प्यार नरेंद्र मोदी को मिलता गया, शायद वही ताकत प्रधानमंत्री को इन अभूतपूर्व फैसलों को लेने की ताकत देता गया। और वैसे भी मोदी खुद ही कहते हैं वो हैं तो देश में कुछ भी मुमकिन है, विकास की हर अवधारणा को वो चरितार्थ करने का मादा रखते हैं, और अपनी ही खींची गई लकीर से बड़ी लकीर खींचने में तो जैसे उन्हें महारत हासिल हो। टीम न्यूज़ स्टेट।